हेलो चिल्ड्रेन, आज मैं आप लोगों को लेसन नंबर 2 क्लास 8 का साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ाने जा रही हूँ. ओके, तो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. हम लोग पानी को उबाल करके ये प्यूरिफाई करके क्यों पीते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं. क्या करते हैं वो जर्म्स? वो हमें बीमार करने वाले जर्म्स होते हैं. ये हमारे नेकेड आई से दिखता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है. ठीक है, लेकिन इनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करें तो इनको देखा जा सकता है. ठीक है, इसीलिए ये लोग क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहलाते हैं. अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने 5 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया है. बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस. जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो बायोलॉजिस्ट. और इस फील्ड के स्टडी का नाम है, इसके सब्जेक्ट का नाम है माइक्रो बायोलॉजी. ठीक है, माइक्रो मीन्स टिनी, छोटा. अब माइक्रो बायोलॉजी को हम लोगों ने अलग अलग क्या कर दिया है? बांट दिया है. हमारे चारों तरफ जो भी ऑर्गेनिजम्स मिलता है उनके हिसाब से उस स्टडी को हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है. एक बात और, माइक्रोबायोलॉजी के फादर लुइनहॉक थे, ये याद रखेंगे आप लोग. ठीक है, लुइनहॉक इज नॉन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. अब बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस. प्रोटोजोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआंस. फाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी. एंड माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगी. यू हैव टू लर्न इट, आपको ये याद रखना होगा. ठीक है, अब वायरस जो है ये भी एक माइक्रो स्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, ये इसके बावजूद ये क्या करता है? सेल के इनसाइड में रह करके ये रिप्रोड्यूस करता है. जिस होस्ट के अंदर ये रहता है उसके सेल में रह करके ये रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, यहाँ कुछ दिखाया गया है स्ट्रक्चर, वो देखिए किस तरह ये वायरस का फिगर दिखाया गया है. यहाँ हमारे सेल में रह करके रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, विच ये जिस जो होस्ट है वो कुछ भी, कोई भी हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है. ठीक है, अब कॉमन एलिगेंट जैसे कि कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कफ हो गया, ये हमें वायरस से होता है. जबकि सीरियस डिजीज, कुछ सीरियस डिजीज जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी क्या होता है? वायरस से ही होता है. अब कुछ डिजीज जैसे टाइफाइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं, ये लोग ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है. ठीक है, और कुछ जो डिजीज है जो प्रोटोजोआ से होता है वो है डिसेंट्री और मलेरिया. यहाँ नीचे आइए, फिगर दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं, स्पाइरल बैक्टीरिया रॉड से बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का फिगर है. और यहाँ प्रोटोजोआ, ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशिया. ओके, अब कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ नीचे दिए गए हैं. यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है? ये एल्गी है. एल्गी का फैमिली है कैबरडोनस एंड स्पाइगरा. ठीक है, ये कैलामोडोनस एंड स्पाइगरा जो है आपका एल्गी का फैमिली का है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम जो है वो सिंगल सेल होते हैं. ठीक है, सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया और कुछ एल्गी एंड प्रोटोजोआ. ठीक है, कुछ जो है मल्टी सेलुलर जैसे कि एल्गी और फंगाई, ये मल्टी सेलुलर है. और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये क्या हो गया? ये सिंगल सेल हो गया. ठीक है, इनका सिंगल सेल से ही ये सारा वर्क होता है. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. ये किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं, जीवित रहते हैं, चाहे कोल्ड हो, हॉट हो, स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो या मर्सी. ठीक है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. ये हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, एनिमल के भी बॉडी में पाया जाता है. ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम जो होते हैं वो ग्रो करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में. ठीक है, फ्रीली. माइक्रो ऑर्गेनिजम जैसे अमीबा हो गया, ये अकेले रहते हैं, जबकि फंगाई और बैक्टीरिया ये कॉलोनीज में होते हैं, ये कॉलोनीज में अपने आप को ग्रो करते हैं. नीचे आइए,
ये ब्रेड मॉल्ड्स हो गया, ये पेनिसिलम हो गया, एस्पर्गिलस हो गया, ये सब क्या है, पूरे फैमिली में ग्रो करते हैं, ये फंगाई है जो कि फैमिली में, जबकि अमीबा जो होता है वो अकेले ही ग्रो करता है। ठीक है, अब नीचे आएंगे हम लोग। यहाँ एक एक्टिविटी है जिसमें हमने एक ब्रेड का मोस्टेन टुकड़ा लिया हुआ है जिसमें वाटर लगा हुआ है, थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, इसको दो दिन के लिए हम हवा में छोड़ देंगे, बाहर छोड़ देंगे। फिर इस ब्रेड को क्या करेंगे, चार दिन के लिए गर्म जगह पे छोड़ देंगे। एंड सी द ब्रेड गेट कवर्ड विद द ग्रेइश व्हाइट पैटर्न्स। और जब चार दिन बाद हम इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ग्रे पैटर्न इनके ऊपर उग गया है, दिख रहा है। ठीक है, जब हम एग्जामिन करेंगे तो दिस पैटर्न्स अंडर द माइक्रोस्कोप, जब इसको एग्जामिन करेंगे तो हमें पता चलेगा टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर है और लॉन्ग स्टॉक, और ये ब्रेड मॉल्ड्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉज्ड ऑफ मेनी डिजीज, बट ऑन द अदर हैंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूजफुल टू द मेनी वेज। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही हानिकारक है, ये डिजीज पैदा करता है, हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारी यूजफुल है। जैसे कुछ प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स में हमें इनका जरूरत पड़ता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों को यूज करना पड़ता है, और ये इसलिए हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, कर्ड हो गया, चीज हो गया, इन सब का फॉर्मेशन में हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। ठीक है, जो मैंने आज पढ़ाया है उसको सारे को रिवाइज करेंगे, अगले वीडियो में मैं रोल ऑफ बैक्टीरिया फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के आगे पढ़ाऊंगी। ओके, बाय।